तो दो एप्स एक साथ कैसे चलाइए। तो दो एप्स को एक साथ चलाने के लिए आपको सबसे पहले ये काम करना है, प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ऐप क्लोनर सर्च करना है। ठीक है, ऐप क्लोनर सर्च करने से बहुत सारा यहाँ पर आपको ऐप देखने को मिलेगा। इनमें से जो बेस्ट ऐप है वो है क्लोन ऐप। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार का आइकन आपको देखने को मिलेगा। इस ऐप को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लोन ऐप पैरेलल स्पेस, तो आप पैरेलल में आप यूज़ कर पाओगे। तो इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन करना। ओपन करने से ही आपका सामने ऐसे लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा वेट करने के लिए बताएगा। तो नेक्स्ट ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सिंपली ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने से दोस्तों फिर से इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको जो करना है फोन पर इसको एलो देना है, एलो करना है डिवाइस, यहाँ पर एलो करते जाना। यहाँ पर देख पा रहे हैं 200 MB VPN यहाँ पर रिसीव आप कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप अपना जीमेल आईडी देकर यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे बाइंड गूगल अकाउंट, यहाँ पर साइन अप करने से आपको 200 MB दिया जाएगा डाटा फ्री में, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो गया है व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम। तो अगर आप दूसरा ऐप को यूज करना चाहते हैं तो सिंपली ऐड ऐप जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने से दोस्तों अपना फोन पर जितना सारे ऐप्स है हो जाएगा, आप जो ऐप चलाना चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली उसी ऐप पर क्लिक करना, क्लिक करके यहाँ पर ऐड ऐप पर क्लिक कर देना। क्लिक कर देने से दोस्तों यहाँ पर एक ऐड शो हो जाएगा, सिंपली इसी ऐड को काट देना है। काट देने से दोस्तों कर देने से दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्विटर जो है यहाँ पर ऐड हो गया है, देख पा रहे हैं टेलीग्राम भी ऐड हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप पैरेलल दो ऐप को एक साथ यूज कर पाओगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया। इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल करके रखना है न्यू अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए अच्छी रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।